हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। रियल एनालिसिस के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे वो हमारी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैप्टर 1 जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स रूडन की बुक से और कुछ टॉपिक्स बार्टल की बुक से पढ़े हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि कैसे डिसाइड करेंगे कि रियल नंबर्स का एक सबसेट जो है वो एक इंटरवल है। इंटरवल से रिलेटेड कुछ और रिजल्ट्स भी आगे चल के हमने इस्तेमाल करने हैं, लेकिन फिलहाल हम उन रिजल्ट्स का प्रूफ नहीं करेंगे। इंटरवल से रिलेटेड जब हमें कुछ रिजल्ट्स की ज़रूरत पेश आएगी जिन थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए, वहाँ पर हम उनको सीख लेंगे। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इंटरवल्स पढ़ रहे हैं और ये सीखने लगे हैं कि R के एक सबसेट के बारे में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि R का रियल नंबर्स का जो सबसेट है वो एक इंटरवल है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बात करनी है हमने इंटरवल्स की। इंटरवल जब भी हमने डिफाइन करना हो तो रियल नंबर्स की मदद से डिफाइन करेंगे। अगर फर्ज करें हमारे पास दो रियल नंबर्स A और B हैं और A B से छोटा है। अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं ए और बी, ए बी से छोटा है, तो क्लोज इंटरवल क्या होता है? सबसे पहले हम सीखने लगे हैं कि क्लोज इंटरवल क्या होता है। कोई नई बात नहीं है, आसान सी बात ही है, ये सारी बातें आपने सीखी हुई हैं। क्लोज इंटरवल को हम डिनोट करते हैं किस तरह से? इस तरह से। और क्लोज इंटरवल में कौन से नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स। कौन से रियल नंबर्स होते हैं? वो रियल नंबर्स जो ए से ग्रेटर आर इक्वल हैं और बी से लेस आर इक्वल हैं। फर्ज करें ये आपके पास रियल लाइन है, इस रियल लाइन के ऊपर हमारे पास है दो नंबर्स ए और बी। फर्ज कर लेते हैं ये नंबर हमारे पास ए है और फर्ज कर लेते हैं ये नंबर हमारे पास बी है। जब हम क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो क्लोज इंटरवल में ए भी मौजूद होगा, बी भी मौजूद होगा और ए और बी के दरमियान में जितने नंबर्स हैं वो सारे भी मौजूद होंगे। ये क्लोज इंटरवल है। इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? इस सेट में इन्फिनिट एलिमेंट्स होंगे। इन्फिनिट एलिमेंट्स भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि दो तरह के हो सकते हैं। उनकी तादाद, उनकी कार्डिनैलिटी उतनी हो सकती है जितनी नेचुरल नंबर्स की कार्डिनैलिटी है, या उनकी कार्डिनैलिटी नेचुरल नंबर से भी ज़्यादा हो सकती है। जो क्लोज इंटरवल होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसकी कार्डिनैलिटी नेचुरल नंबर्स की तादाद से, नेचुरल नंबर्स की कार्डिनैलिटी से ज़्यादा होती है। क्लोज इंटरवल के बाद बात करने लगे हैं ओपन इंटरवल ए बी की। ओपन इंटरवल ए बी को हम ऐसे डिनोट करेंगे, इसी ओपन इंटरवल ए बी को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं स्क्वेयर ब्रैकेट्स, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में स्क्वेयर ब्रैकेट्स डालकर। इसमें रियल नंबर होते हैं जो ए और बी के दरमियान होते हैं। अगर फर्ज करें हमारे पास रियल लाइन है ए और बी, इस रियल लाइन ए और बी के ऊपर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ए और एक बी। अगर हम ए और बी वाले रियल नंबर्स ना लें, सिर्फ वो रियल नंबर्स लें जो ए और बी के दरमियान हैं, जो ए से बड़े और बी से छोटे हैं, तो इस सेट को, इस इंटरवल को हम ओपन इंटरवल ए बी कहते हैं। ये जो ए और बी हैं ये इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स कहलाते हैं। क्लोज इंटरवल में दोनों एंड्स शामिल हैं, ओपन इंटरवल में दोनों एंड्स शामिल नहीं हैं। अगर हम एक एंड को शामिल कर लें और एक को ना शामिल करें, तो ऐसे इंटरवल्स को हम हाफ ओपन इंटरवल या हाफ क्लोज इंटरवल भी कहते हैं। फर्ज करें हम इंटरवल ले रहे हैं ये वाला, इस इंटरवल में हम ए शामिल नहीं कर रहे और एंड पॉइंट बी शामिल कर रहे हैं। सारे रियल नंबर्स हैं जो ए से बड़े और बी से छोटे और बी भी इनमें शामिल हैं। फर्ज करें हमारे पास ये रियल लाइन है, इस रियल लाइन के ऊपर हमारे पास नंबर ए और बी है। ए को हम शामिल नहीं कर रहे, बी को हम शामिल कर रहे हैं। हम ए और बी के दरमियान के नंबर ले रहे हैं और बी भी ले रहे हैं। तो ये हमारे पास एक हाफ क्लोज्ड इंटरवल या हाफ ओपन इंटरवल है। आप इसी तरह से ए को शामिल कर सकते हैं और बी को नहीं शामिल कर सकते, तो उसकी नोटेशन ये होगी, उस इंटरवल को हम ऐसे डिनोट करेंगे। ये तो बात थी इंटरवल्स की। अगर ए और बी दो रियल नंबर हो और ए छोटा और बी बड़ा हो, अगर हम एक ही नंबर लेकर इंटरवल बनाएं, तो बिल्कुल ऐसे भी हम डिफाइन कर लेते हैं। अगर एक
रियल नंबर ए लिया है, हम इंटरवल बनाए जिसका फर्स्ट पॉइंट भी ए हो और सेकंड पॉइंट भी ए हो, क्लोज इंटरवल बनाए या हाफ क्लोज इंटरवल बनाए या हाफ ओपन इंटरवल बनाए, एक ही बात है, एक ही चीज के दो नाम है। इन तीनों केसेस में जो इंटरवल होगा उसमें सिर्फ ए आएगा, ए के अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। और अगर हम एक ही नंबर ए लेकर ओपन इंटरवल ए ए बनाए तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। हम जिन इंटरवल्स की बात किया करेंगे वो ए और बी दो नंबर से बना करेंगे और वो दोनों में से ए छोटा और बी बड़ा हुआ करेगा। और अगर दोनों एंड्स को सेम रख लेंगे तो फिर क्लोज इंटरवल क्या है और फिर ओपन इंटरवल क्या है वो मैंने बता दिया है, लेकिन हम इनको इस्तेमाल नहीं किया करेंगे। इंटरवल ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी खत्म ना हो। अभी तक हमने जो इंटरवल्स डिफाइन किए हैं हम इनको फाइनाइट इंटरवल्स कहते हैं। इंटरवल्स इनफाइनाइट इंटरवल्स भी हो सकते हैं, इनफिनिट ओपन इंटरवल हो सकता है। इनफिनिट ओपन इंटरवल दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है कि माइनस इंफिनिटी से लेकर हम इंटरवल बनाएं जिसमें ए और ए से पीछे वाले सारे नंबर मौजूद हों, ए भी मौजूद ना हो, ए से सारे पीछे वाले नंबर मौजूद हों, ये हमारे पास ए है, ए मौजूद ना हो, ए से छोटे सारे नंबर मौजूद हों, माइनस इंफिनिटी से लेकर ए तक के नंबर मौजूद हों, तो हम इनफाइनाइट इंटरवल माइनस इंफिनिटी से ए, इसमें वो सारे रियल नंबर हैं जो ए से छोटे हैं। इसी तरह से इनफाइनाइट इंटरवल हमारे पास हो सकता है जिसमें नंबर जो हैं वो सारे ए से बड़े वाले हों, ये ए से बड़े वाले सारे नंबर, हम ऐसे इंटरवल को लिखेंगे ए से इंफिनिटी। और ना ए इंक्लूड करेंगे, इंफिनिटी तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम इंटरवल को ऐसे डिनोट करेंगे। ये जो इनफाइनाइट ओपन इंटरवल हमने बनाए हैं, इसी तरह के इन्फिनिट क्लोज इंटरवल भी हम बना सकते हैं जिनमें एंड पॉइंट्स को शामिल कर लेंगे। अगर हम ए को इंक्लूड कर लें और ए से सारे छोटे रियल नंबर ले लें तो उस क्लोज इंटरवल को हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से ए और ए पे स्क्वेयर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब होगा रियल नंबर लेने हैं ए और उससे छोटे, और अगर हमने ए और उससे बड़े रियल नंबर लेने हो तो हम उस इंटरवल को ऐसे डिनोट करेंगे ए से इन्फिनिटी, ए और उससे बड़े सारे रियल नंबर्स, और फाइनल लास्ट इंटरवल सारे रियल नंबर्स ले लें। हम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के दरमियान में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो ले लें, यानी पूरा रियल नंबर्स का सेट ले लें, तो वो भी इंटरवल ही होता है। उस इंटरवल को हम लिखा करते हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पैरेंथेसिस के साथ या रिवर्स डायरेक्शन में स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स भी एक इंटरवल ही है। हमने बात कर ली है कि इंटरवल किस चीज़ को कहते हैं, किस सेट को हम इंटरवल कहते हैं। हमने कहा क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, हाफ क्लोज्ड इंटरवल है या हाफ ओपन इंटरवल है, या ये स्पेशल किस्म के दो इंटरवल्स हैं, ये सारे फाइनाइट इंटरवल्स हैं। और उसके बाद हमारे पास पांच जो हैं वो इन्फिनिट इंटरवल्स हैं। अब हम ये सीखना चाहते हैं कि अगर हमें आर का कोई सबसेट दिया हुआ हो तो कैसे डिसाइड करेंगे कि वो सबसेट इंटरवल है या नहीं है। तो हम थ्योरम करने लगे हैं, इस थ्योरम को हम इंटरवल कैरेक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। ये थ्योरम हमें बताएगा कि आर का कोई सबसेट जो है वो कब इंटरवल होगा, अगर एस जो है वो हमारे पास आर का कोई सबसेट हो और इसमें कम अज कम दो एलिमेंट्स जरूर हों तब ये इंटरवल हो सकता है। अगर दो से कम एलिमेंट्स हों तो कभी भी इंटरवल नहीं होगा, कम अज कम दो एलिमेंट जरूर हों। लेकिन उसके अलावा एक और खास बात भी हो उसमें, वो खास बात क्या हो कि जब भी आप सेट एस के दो एलिमेंट्स लें एक्स और वाई और एक्स वाई से छोटा हो तो एक्स और वाई से जो क्लोज इंटरवल बनेगा वो एस का सबसेट होगा। दूसरे अल्फाज में अगर एक्स और वाई सेट एस में मौजूद हैं तो एक्स और वाई के दरमियान जितने एलिमेंट्स हैं वो भी जरूर सेट एस में ही होंगे। x और y क्लोज इंटरवल का मतलब है x से लेकर y तक के सारे एलिमेंट्स। अगर x और y हमारे पास सेट S में मौजूद हैं तो x और y से बनने वाला जो क्लोज इंटरवल है यानी x और y के दरमियान सारे एलिमेंट्स वो भी S में ही हो, S का सबसेट हो। अगर ये बात S में मौजूद हो तो फिर हमारे पास जो S है वो एक इंटरवल होगा। S में क्या खूबी है, एस आर का सबसेट है,
एस में कम से कम दो एलिमेंट्स हैं। एस में जब भी आप दो एलिमेंट्स एक्स और वाई लें कि एक्स वाई से छोटा हो, तो एक्स और वाई से बनने वाला क्लोज इंटरवल एस का सबसेट होगा, यानी एक्स और वाई के दरमियान जितने एलिमेंट्स हैं वो भी सारे एस में ही होंगे। अगर ये सब कुछ एस में मौजूद हो, एस सेटिस्फाई कर रहा हो इन सारी बातों को, तो फिर एस एक इंटरवल होगा। एस एक सेट है, हमें दिया हुआ है कि वो आर का सबसेट है, हमें बताया गया है कि एस में कम से कम दो एलिमेंट्स मौजूद है, और हमें बताया गया है कि जब भी आप एक्स और वाई दो एलिमेंट्स एस में से लेते हैं तो एक्स और वाई के दरमियान वाले सारे एलिमेंट्स भी एस में ही हैं। ये सारी बातें हमें गिवन है, हमने प्रूव ये करना है कि एस एक इंटरवल है। इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा सुप्रीमम और इन्फिमम का। कैसे सुप्रीमम और इन्फिमम का इस्तेमाल करूंगा, उसके लिए मैं सुप्रीमम और इन्फिमम की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेता हूं। एस अगर एक ऑर्डर्ड सेट हो, ए उसका सबसेट हो, तो एस का एक एलिमेंट सेट ए का सुप्रीमम होगा। दो बातें, वो एलिमेंट अपर बाउंड हो, अल्फा को अगर हम सुप्रीमम कह रहे हैं तो अल्फा सेट ए के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो, और दूसरी बात इससे छोटा कोई अपर बाउंड ना हो। अगर गैमा कोई एलिमेंट है जो अल्फा से छोटा है तो ये अपर बाउंड ना हो, अल्फा सबसे छोटा अपर बाउंड हो, गैमा अपर बाउंड ना हो, यानी गैमा सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा हो जाए। गैमा क्या हो जाए, सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा हो जाए। ये तो डेफिनेशन हो गई किसकी, सुप्रीमम की। और इन्फिमम की डेफिनेशन देख लेते हैं, दो बातें होंगी, ए एस का सबसेट, एस का एलिमेंट अल्फा, सेट ए का इन्फिमम होगा, अल्फा लोअर बाउंड हो, अल्फा सेट ए के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो, अल्फा लोअर बाउंड हो, गैमा अगर अल्फा से बड़ा लें तो वो लोअर बाउंड ना हो, वो सेट के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल ना रहे, सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो जाए। ये तो बात हो गई किसकी, इन्फिमम की। अब हम अपने प्रूफ की तरफ आते हैं, हम प्रूफ ये करना चाहते हैं कि आर का वो सबसेट एस जिसमें ये खूबियां मौजूद हैं वो एक इंटरवल है। जिस सबसेट एस की बात कर रहे हैं जिसमें ये खूबियां मौजूद हैं, हो सकता है वो बाउंडेड हो सकता है वो बाउंडेड ना हो। तो हम इस प्रूफ को करेंगे डिफरेंट केसेस में। एक केस ये बनाएंगे कि एस बाउंडेड है, दूसरा केस ये बनाएंगे कि एस बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड नहीं है कि मजीद दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, हो सकता है अपर बाउंड हो लोअर बाउंड ना हो, हो सकता है लोअर बाउंड हो अपर बाउंड ना हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि ना ही लोअर बाउंड हो ना ही अपर बाउंड हो। तो एस आर का वो सबसेट जिसमें ये खूबियां मौजूद हैं, उसको इंटरवल प्रूफ करने के लिए हम बनाएंगे चार केसेस एस को बाउंडेड लेते हुए और तीन केसेस एस को नॉट बाउंडेड लेते हुए। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहला केस हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम अज्यूम कर रहे हैं कि एस जो है वो बाउंडेड सेट है। एस बाउंडेड है इसका मतलब है इसका अपर बाउंड भी मौजूद है, इसका लोअर बाउंड भी मौजूद है। हम इस एस को प्रूव ये करना चाहते हैं कि इंटरवल है, और ये बात हम प्रूव करेंगे किसकी मदद से, इसके सुप्रीमम और इन्फिमम की मदद से। अगर फर्ज करें हमारे पास एस जो है वो आर का कोई सबसेट है, ये हमारे पास आर रियल लाइन है, एस बाउंडेड होने का मतलब है इसका सुप्रीमम भी मौजूद है, इसका इन्फिमम भी मौजूद है। अगर इसके इन्फिमम को मैं स्मॉल ए कह लूं और इसके सुप्रीमम को मैं स्मॉल बी कह लूं, तो अब हम प्रूव ये करेंगे कि जो एस है वो ए से बी तक का कोई इंटरवल है। ए से बी तक के इंटरवल जो हैं वो चार हो सकते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, हाफ क्लोज इंटरवल और हाफ क्लोज इंटरवल। हमें पता है दो तरह के होते हैं, ए शामिल हो बी शामिल ना हो, ए शामिल ना हो बी शामिल हो। एस एक बाउंडेड सेट है, एस एक बाउंडेड सेट है तो इसके अपर बाउंड मौजूद हैं, इसके लोअर बाउंड मौजूद हैं। अगर अपर और लोअर बाउंड मौजूद हैं तो इसका इन्फिमम भी मौजूद है और इसका सुप्रीमम भी मौजूद है। इसके सुप्रीमम और इन्फिमम की मदद से हम प्रूव ये करने लगे हैं कि एस जो है वो ए से बी तक का ही कोई इंटरवल है। कैसे देखते हैं, एस में क्या खूबियां मौजूद हैं हमारे पास, एस आर का सबसेट है, एस एम्प्टी नहीं है। ये कहां से पता चला, उसने कहा था एस में कम से कम दो एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब है एस एम्प्टी नहीं है, एस के अपर बाउंड्स भी हैं लोअर बाउंड्स भी हैं।
हमने अज्यूम कर लिया है एस बाउंडेड है तो इसके अपर बाउंड भी हैं, लोअर बाउंड भी हैं। आर हमें मालूम है कि आर क्या होता है, आर कंप्लीट होता है। एस के अपर बाउंड भी हैं, लोअर बाउंड भी हैं, आर कंप्लीट भी है। इन सारी बातों का क्या नतीजा निकला, इन सारी बातों का नतीजा निकला कि एस का सुप्रीमम भी मौजूद है और एस का इन्फिमम भी मौजूद है। एस के सुप्रीमम और इन्फिमम का कोई नाम रख लेते हैं। एस के इन्फिमम का नाम हमने फर्ज करें ए रख लिया और सुप्रीमम का नाम हमने बी रख लिया। प्रूव ये करेंगे कि एस कोई एक इंटरवल है। अगर मैं प्रूव ये कर दूं कि एस सबसेट है क्लोज इंटरवल ए बी का, और मैं प्रूव ये कर दूं कि जो एस है वो सुपरसेट है ओपन इंटरवल ए बी का, तो बस मेरा मसला हल हो जाएगा। इसका मतलब होगा एस या तो क्लोज इंटरवल ए बी है या ओपन इंटरवल ए बी है, या हाफ क्लोज इंटरवल ए से बी वाला जिसमें बी शामिल है, या ए से बी वाला जिसमें ए शामिल है। इन चार में से ही कोई एक है। बस मुझे ये दो बातें प्रूव करनी है, एस सबसेट है क्लोज इंटरवल ए बी का और एस सुपरसेट है ओपन इंटरवल ए बी का। एस को ए बी क्लोज इंटरवल का सबसेट प्रूव करने के लिए मैं इस्तेमाल करने लगा हूं ए के इन्फिमम और बी के सुप्रीमम होने का। अगर ए जो है वो एस का इन्फिमम है, इसका मतलब है कि सेट एस का हर एलिमेंट एक्स ए से ग्रेटर और इक्वल है, ये इन्फिमम का इस्तेमाल किया है। और अगर बी सुप्रीमम है, बी अपर बाउंड है, इसका मतलब है सेट एस का हर एलिमेंट बी से लेस और इक्वल है। ये इतना हिस्सा इस्तेमाल किया है कि ए सेट एस का इन्फिमम है और ये वाला हिस्सा इस्तेमाल किया है कि बी सेट एस का सुप्रीमम है। इन दोनों बातों को मिलाया है तो बात बनी है कि एक्स ए और बी के दरमियान है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, या एग्जैक्टली इनके दरमियान में कोई एलिमेंट है। इस तरह के एक्स तो कहां होते हैं जी, क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन के मुताबिक ये सारे एक्स तो क्लोज इंटरवल ए बी में होते हैं। यानी जब भी आप एस का कोई एलिमेंट एक्स लें वो ए से ग्रेटर आर इक्वल बी से लेस आर इक्वल है, यानी वो एलिमेंट एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में है। तो क्या नतीजा निकला, इससे नतीजा ये निकला कि जो एस है वो क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट है। ये वाली चीज हमने प्रूफ कर ली। अब ये प्रूफ करना चाहते हैं कि एस ओपन इंटरवल ए बी का सुपरसेट है। क्या प्रूफ करना चाहते हैं, कि जो ए बी ओपन इंटरवल है वो एस का सबसेट है, या कह लें एस जो है वो ओपन इंटरवल ए बी का सुपरसेट है। मुझे एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूफ करना है। क्या तरीका होता है जी, अगर मुझे प्रूफ करना हो कि जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है, तो कैसे प्रूफ किया करते हैं, हम सेट ए का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, उसको प्रूफ करते हैं कि वो सेट बी में भी है। अगर हम सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी में प्रूव कर दें तो प्रूव हो जाता है कि ए बी का सबसेट है। मुझे इस ओपन इंटरवल ए बी को सेट एस का सबसेट प्रूव करना है, तो मैं इस ओपन इंटरवल ए बी का कोई सा एलिमेंट लेता हूं और प्रूव ये करता हूं कि वो एस में मौजूद है। तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया जी जो ओपन इंटरवल ए बी में है, मैं इस जी को एस में प्रूव करना चाहता हूं। मैं इस जी को एस में प्रूव करने के लिए मैं दो काम करूंगा। मैं एक काम ये करूंगा कि मैं प्रूव ये करूंगा कि जी जो है एक्स से बड़ा और y से छोटा है, जहां पर x और y जो है वो सेट s के एलिमेंट्स हैं। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि z s के दो एलिमेंट्स x और y में इस तरह से रिलेट कर रहा है कि z x से बड़ा और y से छोटा है, तो मेरा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि सेट s में खूबी मौजूद है। क्या खूबी मौजूद है, कि सेट s में से दो एलिमेंट्स x और y लें, x y से छोटा हो तो x y क्लोज इंटरवल s का सबसेट होता है, यानी x और y के दरमियान का हर एलिमेंट s में मौजूद होता है। तो अगर मैं ऐसे x और y ढूंढ लूं कि z एक x से बड़ा हो, z एक y से छोटा हो और वो x और y s में हो, तो s की इस खूबी की वजह से जो z है वो s में हो जाएगा। z मैंने कहां से लिया है, ओपन इंटरवल ए बी में से। अगर मैंने इस जी को एस में प्रूव कर दिया तो इसका मतलब है ओपन इंटरवल ए बी एस का सबसेट हो जाएगा। तो जी मेरे पास इस वक्त ओपन इंटरवल ए बी में से है। जी ओपन इंटरवल ए बी में से होने का मतलब है जी ए से बड़ा है और जी बी से छोटा है। जी ए से बड़ा है, ए क्या है, ए जो है वो इस सेट एस का इन्फिमम है। ए इन्फिमम है, जी ए से बड़ा है,
इन्फिमम की प्रॉपर्टी के मुताबिक z जो है वो सेट s के कम से कम किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा। z सेट s के किस एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा, उस एलिमेंट का नाम हम फर्ज करें x रख लेते हैं कि हमारा z जो है वो x से बड़ा है। अब इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि z b से छोटा है, b हमारा सुप्रीमम है, z जो है वो इस b से छोटा है। अगर z b से छोटा है तो ये अपर बाउंड नहीं है, ये सेट S के किसी एक एलिमेंट से छोटा है, उस एलिमेंट का नाम हम फर्ज करें Y रख लेते हैं कि हमें S में एक Y मिल जाएगा कि Z जो है हमारा इस Y से छोटा होगा। Z हमने एलिमेंट लिया है ओपन इंटरवल AB का, Z को हमने S के एक एलिमेंट X से बड़ा शो कर दिया है, Z को S के एक एलिमेंट Y से छोटा शो कर दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा z है वो ओपन इंटरवल x और y में है। z z चूंकि x से बड़ा और y से छोटा है, इस तरह के सारे एलिमेंट्स तो ओपन इंटरवल में होते हैं, इसका मतलब z ओपन इंटरवल x y में मौजूद है। x और y जो है उनमें क्या खास बात है? उनमें खास बात यह है कि x y से छोटा है। क्यों भला? क्योंकि z x से बड़ा है, z y से छोटा है, तो ऑब्वियसली x y से छोटा है। अगर z ओपन इंटरवल एक्स वाई में है तो इसका मतलब है z क्लोज इंटरवल एक्स वाई में भी मौजूद है। हमारे जो x और y हैं वो हैं सेट S में, x y से छोटा है, और S में खूबी ये है कि जब भी x और y S के हों, x y से छोटा हो, तो क्लोज इंटरवल एक्स वाई S का सबसेट होता है। हमारा जो z है वो इस क्लोज इंटरवल एक्स वाई में मौजूद है, ये क्लोज इंटरवल S का सबसेट है। सबसेट की खूबी ये होती है कि सबसेट में मौजूद हर एलिमेंट उससे बड़े सेट में भी मौजूद होता है। z चूंकि इस क्लोज इंटरवल एक्स वाई में मौजूद है तो ये इसके सुपरसेट s में भी मौजूद है। हमारा z s में मौजूद है। z हमने एलिमेंट लिया था कहां से? ए बी से। हमने z को प्रूव कर दिया कहां पर? s में। इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल ए बी का कोई सा भी एलिमेंट z ले वो मौजूद है सेट S में। इसका मतलब हुआ ओपन इंटरवल ए बी जो है वो हमारे पास सबसेट है किसका? सेट S का। हमने पहले प्रूफ किया था कि S सबसेट है क्लोज इंटरवल ए बी का। अब हमने प्रूफ किया है कि S सुपरसेट है ओपन इंटरवल ए बी का। इन दोनों बातों को मिलाकर लिख लें और इससे रिजल्ट ड्राइव करें। इसका मतलब है S या तो ओपन इंटरवल ए बी है या क्लोज इंटरवल ए बी है या हाफ क्लोज इंटरवल है जिसमें ए शामिल है या ऐसा हाफ क्लोज इंटरवल है जिसमें बी शामिल है। एस ये हो, ये हो, ये हो या ये हो, ये चारों तो क्या हैं? इंटरवल्स हैं। इसका मतलब है हमने प्रूफ ये कर दिया है कि हमारा जो एस है वो एक इंटरवल है। हमने वो केस किया है जिसमें हमने ज्यूम किया है कि एस एक बाउंडेड सेट है और हमने प्रूव ये कर दिया है कि जो S है वो एक इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है ये तो हमने नहीं प्रूव किया। हो सकता है वो ओपन इंटरवल हो सकता है वो क्लोज इंटरवल हो सकता है वो हाफ क्लोज इंटरवल हो, कोई सा भी है, लेकिन है एक इंटरवल ही। तो अगर S बाउंडेड सेट है तो वो इंटरवल है। अगर S बाउंडेड सेट नहीं है तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है S बाउंडेड अबव हो, बिलो ना हो, हो सकता है बाउंडेड बिलो हो, बाउंडेड अबव ना हो, और हो सकता है ना ही बाउंडेड अबव हो ना ही बाउंडेड बिलो हो। लेकिन इस हर केस में भी हमने प्रूव ये करना है कि S एक इंटरवल है। और अब हम करने लगे हैं ये केस टू, S बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो नहीं है। अगर बाउंडेड अबव है तो इसका कोई ना कोई सुप्रीमम होगा। फर्ज कर लेते हैं B जो है वो सेट S का सुप्रीमम है लेकिन लोअर बाउंड कोई नहीं है। अब हम बेसिकली प्रूव ये करेंगे कि जो हमारे पास S है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर B तक का या तो ओपन इंटरवल है या माइनस इन्फिनिटी से लेकर B तक का क्लोज इंटरवल है। हम प्रूव ये करेंगे कि S माइनस इन्फिनिटी से B तक ओपन इंटरवल का सुपरसेट और माइनस इन्फिनिटी से B क्लोज्ड का सबसेट है। अगर ये बात हमने प्रूव कर दी तो उसका मतलब होगा S या तो ये है और या फिर ये है। S
इसके इक्वल हो या एस इसके इक्वल हो, इसका मतलब है एस एक इंटरवल ही है। एस हमने ले लिया है जो बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो नहीं है। एस को इंटरवल प्रूव करना चाहते हैं, क्या करेंगे मैंने बता दिया, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम कहते ये हैं कि एस का सुप्रीमम मौजूद है। क्यों है एस का सुप्रीमम मौजूद? हमारे पास एस आर का सबसेट है, एस एम टी नहीं है। क्यों एम टी नहीं है? पहले बता चुका, क्योंकि थ्योरम में कहा यह गया है कि एस में कम अज कम दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, एस के अपर बाउंड हैं। क्योंकि हमने सपोज कर लिया है कि एस बाउंडेड है, इसका मतलब है अपर बाउंड है। और आर, आर हमें मालूम है, आर कैसा सेट है? आर एक कंप्लीट सेट है, और कंप्लीट सेट के नॉन एम्प्टी सबसेट का जब भी अपर बाउंड मौजूद हो उसका सुप्रीमम भी मौजूद होता है। इसका मतलब है एस का सुप्रीमम मौजूद है आर में। एस का ये जो सुप्रीमम है, इसका नाम रख लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि जो सुप्रीमम ऑफ एस है ये बी है। और मैंने कहा अब हम प्रूव ये करेंगे कि एस जो है माइनस इन्फिनिटी से बी वाले क्लोज इंटरवल का सबसेट है, और माइनस इन्फिनिटी से बी वाले ओपन इंटरवल का सुपरसेट है। बी सुप्रीमम है, और बी के सुप्रीमम होने का मतलब है बी अपर बाउंड है, और अपर बाउंड होने का मतलब है एस का हर एलिमेंट एक्स जो है वो बी से लेस आर इक्वल है। एक्स का हर एलिमेंट बी से लेस आर इक्वल है, और बी से लेस आर इक्वल एलिमेंट्स तो कहां होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से बी वाले क्लोज इंटरवल में। इसका मतलब है एस का हर एलिमेंट जो है वो इस इंटरवल में मौजूद है। अगर एस का हर एलिमेंट इस इंटरवल में मौजूद है तो नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा निकला कि जो हमारा एस है वो माइनस इन्फिनिटी से बी क्लोज इंटरवल का सबसेट है। एस को माइनस इन्फिनिटी से बी क्लोज इंटरवल का सबसेट हमने प्रूफ कर लिया। अब हम प्रूफ करना चाहेंगे कि एस जो है वो माइनस इन्फिनिटी से बी ओपन इंटरवल का सुपरसेट है। क्या प्रूफ करना चाहेंगे? कि एस माइनस इन्फिनिटी से बी वाले ओपन इंटरवल का सुपरसेट है। ये हमारे पास रियल लाइन है, यहाँ कहीं हमारे पास फर्ज करें बी है जो कि सुप्रीमम है, किसका? सेट एस का। मैं इस वक्त प्रूव ये करना चाहता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से बी ओपन इंटरवल जो है वो सबसेट है एस का। इसके लिए वही तरीका, मैं इस इंटरवल का एक एलिमेंट लेता हूँ, उसको शो करता हूँ कि वो सेट एस में मौजूद है। अगर इस इंटरवल का हर एलिमेंट सेट एस में मौजूद है तो क्या नतीजा निकल आएगा? कि ये इंटरवल सेट एस का सबसेट है। मैंने माइनस इन्फिनिटी से बी तक का जो ओपन इंटरवल है उसमें एक एलिमेंट ले लिया जी। माइनस इन्फिनिटी से बी के दरमियान मैंने यहाँ कहीं ले लिया फर्ज करें जी। प्रूव ये करना है कि ये जो जी है मेरा ये कहाँ मौजूद है? एस में मौजूद है। उसके लिए वही तरीका मैं अख्तियार करने लगा हूं, मैं ढूंढने लगा हूं दो एक्स और वाई जो एस में हो, और इस खूबी के साथ एस में हो कि जी एक्स से बड़ा और वाई से छोटा हो। क्योंकि एस सेट में एक खूबी मौजूद है कि जब भी एक्स और वाई मौजूद होते हैं, एक्स वाई से छोटा हो तो उनके दरमियान के सारे नंबर्स भी मौजूद होते हैं। इस खूबी की वजह से अगर मैंने ये काम कर लिया तो नतीजा निकल आएगा इस काम का कि जो जी है मेरे पास वो सेट एस में मौजूद है। तो मैं सेट एस के ऐसे दो एलिमेंट ढूंढने लगा हूँ कि जी एक से छोटा और एक से बड़ा हो। जी मेरे पास जो है वो इस वक्त माइनस इन्फिनिटी और बी के दरमियान है, यानी जी जो है वो बी से छोटा है। बी से छोटा है, बी सुप्रीमम है, सबसे छोटा अपर बाउंड है। इससे छोटा एलिमेंट तो अपर बाउंड नहीं होगा। इससे छोटा एलिमेंट जो है वो सेट एस के कम अज कम किसी एक एलिमेंट से छोटा हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं वो सेट एस के एलिमेंट वाई से छोटा है। बी चूंकि सुप्रीमम है, सुप्रीमम से छोटा एलिमेंट अपर बाउंड नहीं होता। ये जी सेट एस के किसी एक एलिमेंट से छोटा है, उस एलिमेंट का नाम हमने वाई रख लिया। जी वाई से छोटा है और वाई एस में मौजूद है, इतना हिस्सा मैंने कर लिया। अब मुझे इतना हिस्सा करना है कि z सेट s के किसी एक एलिमेंट x से बड़ा है। सेट s जो है उसके लोअर बाउंड्स मौजूद नहीं है, इसका मतलब है z जो है वो लोअर बाउंड तो नहीं है। अगर z लोअर बाउंड नहीं है सेट s का, तो z सेट s के कम से कम किसी एक एलिमेंट से तो बड़ा जरूर होगा। z बड़ा ले रहे हैं हम से एलिमेंट x से, जहां पर x जो है वो सेट s में मौजूद है। S बाउंडेड बिलो नहीं है, S का
कोई भी लोअर बाउंड नहीं है, z भी सेट s का लोअर बाउंड नहीं है। अगर z लोअर बाउंड नहीं है तो z सेट s के कम से कम किसी एक एलिमेंट से बड़ा है। z अगर लोअर बाउंड होता तो सेट s के हर एलिमेंट से लेस आर इक्वल होता। सेट s का कोई लोअर बाउंड है ही नहीं, सेट s बाउंडेड बिलो नहीं है, तो z भी लोअर बाउंड नहीं है। और z लोअर बाउंड नहीं है का मतलब है कि z जो है वो कम से कम सेट s के किसी एक एलिमेंट से बड़ा है। s बाउंडेड बिलो नहीं है, बाउंडेड बिलो नहीं है, z इसका लोअर बाउंड नहीं है, तो z सेट s के एक एलिमेंट x से बड़ा है। z जो इस वक्त हमने लिया है वो x से बड़ा है और z जो है वो y से छोटा है। इसका मतलब है z ओपन इंटरवल x और y में मौजूद है। x और y जो हैं वो सेट s में से हैं और x y से छोटा है, क्योंकि z x से बड़ा, z y से छोटा, तो x y से छोटा है। हो सकता है ऐसा, क्योंकि सेट s में कम से कम दो एलिमेंट्स तो जरूर हैं। तो x y से छोटा है और x और y सेट s में मौजूद हैं। तो s की खास खूबी क्या कि अगर x और y सेट s में मौजूद है, x y से छोटा है, तो x y क्लोज इंटरवल s में है। z मौजूद है ओपन इंटरवल x y में। ओपन इंटरवल x y क्लोज इंटरवल x y का सबसेट है। क्लोज इंटरवल x y s का सबसेट है। इसका मतलब हुआ z हमारे पास सेट s में मौजूद है। हमने एलिमेंट z लिया था इन्फिनिट ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से बी का और जी सेट एस में है। एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है जो पहला सेट इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से बी है, ये सेट एस का सबसेट है। इससे पहले हमने प्रूव कर दिया था कि सेट एस सबसेट है इन्फिनिट इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से बी, जिसमें बी शामिल है। और अब हमने ये रिजल्ट प्रूव किया है। इन दोनों रिजल्ट को मिला लें तो एस सुपरसेट है माइनस इन्फिनिटी से बी वाले इंटरवल का और सबसेट है माइनस इन्फिनिटी से बी क्लोज्ड वाले इंटरवल का। एस इसका सुपरसेट है, इसका सबसेट है। दोनों सेट्स में फर्क सिर्फ एक एलिमेंट बी का है। इसका मतलब है एस या तो इसके इक्वल है या एस इसके इक्वल है। अगर एस इसके इक्वल है तो एस एक इंटरवल है, एस इसके इक्वल है तो ये भी एक इंटरवल है, यानी एस एक इंटरवल है। हर पॉसिबिलिटी में प्रूव ये हो गया है कि जो हमारा एस है वो एक इंटरवल है। तो हमने सेकंड केस में ये लेते हुए कि एस बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो नहीं है, प्रूव ये कर दिया है कि ऐसी सूरत में भी एस एक इंटरवल ही है। वो माइनस इन्फिनिटी से बी तक बी ओपन के साथ या माइनस इन्फिनिटी से बी तक बी क्लोज के साथ इंटरवल है, लेकिन है एस कोई ना कोई इंटरवल ही। तो थर्ड पॉसिबल केस करते हैं, अगर s बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। आप यहाँ वीडियो को पॉज कर लें और सोचें कि कैसे करेंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर बाउंडेड बिलो है तो इसका मतलब है लोअर बाउंड्स मौजूद हैं। लोअर बाउंड्स मौजूद हैं तो इसका इन्फिमम मौजूद है। इसके इन्फिमम को फर्ज करें, हम सपोज कर लेते हैं कि वो a है। अगर इन्फिमम a है तो अब हम प्रूव ये करेंगे कि s या तो a से इन्फिनिटी वाला a क्लोज इंटरवल है या a से इन्फिनिटी वाला a ओपन इंटरवल है। हम s को इन दो में से किसी एक के इक्वल प्रूव करेंगे। s इन दो में से किसी भी एक के प्रूव इक्वल प्रूव हो जाए, या s प्रूव हो जाए कि सबसेट है क्लोज इन्फिनिट इंटरवल a से इन्फिनिटी, या s सुपरसेट है ओपन इन्फिनिट इंटरवल ए से इन्फिनिटी, तो एनफ है। दो में से कोई सा भी बने, बहरहाल बनेगा तो इंटरवल ही। तो हम सबसे पहला काम तो ये करने लगे हैं कि कहने ये लगे हैं, शो ये करने लगे हैं कि सेट एस का इन्फिमम मौजूद है और इसका नाम ए रख रहे हैं। क्योंकि एस हमारे पास सबसेट है आर का, एस एम टी नहीं है, एस के लोअर बाउंड्स मौजूद हैं, ये हमने खुद से सपोज कर लिया है। R के बारे में हमें मालूम है कि R कंप्लीट है, और इन सारी बातों का नतीजा ये है कि S का हमारे पास इन्फिमम मौजूद है। ये जो S का इन्फिमम है, इस इन्फिमम का नाम हम A रख लेते हैं। अब हम प्रूव ये करेंगे कि हमारा S जो है वो सबसेट है क्लोज इंटरवल, क्लोज इन्फिनिट इंटरवल A से इन्फिनिटी का ये हिस्सा। A हमारे पास क्या है? ए हमारे पास सेट एस का इन्फिमम है।
ए के इन्फिमम होने का मतलब है लोअर बाउंड है, ए जो है हमारे पास सेट एस के हर एलिमेंट से लेस आर इक्वल है, या कह लें सेट एस का हर एलिमेंट एक्स ए से ग्रेटर आर इक्वल है। ए से ग्रेटर आर इक्वल एलिमेंट्स कहाँ होते हैं? इस इंटरवल की डेफिनेशन के मुताबिक इसमें रियल नंबर्स हैं, वो रियल नंबर्स हैं जो ए से ग्रेटर आर इक्वल हैं, और सेट एस का हर एलिमेंट इस खूबी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है सेट एस का हर एलिमेंट इस इंटरवल में मौजूद है। एक सेट का हर एलिमेंट अगर दूसरे सेट में मौजूद हो तो वो सेट दूसरे का सबसेट होता है। इसका मतलब है जो हमारा एस है वो सबसेट है इन्फिनिट क्लोज इंटरवल ए से इन्फिनिटी का। ये हिस्सा प्रूव हो गया। अब हम प्रूव करना चाहेंगे कौन सी वाली बात? अब हम ये वाली बात प्रूव करना चाहेंगे। अब हम प्रूव ये करना चाहेंगे कि ओपन इन्फिनिट इंटरवल ए से इन्फिनिटी सबसेट है सेट एस का। उसके लिए हम Z एक एलिमेंट ले रहे हैं ओपन इन्फिनिट इंटरवल ए से इन्फिनिटी का। Z हमने यहाँ कहीं एक एलिमेंट ले लिया जो ए से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है। Z हमारे पास इस वक्त ए से बड़ा एलिमेंट है, ए हमारे पास इन्फिमम है, इन्फिमम सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है, Z इससे बड़ा एलिमेंट है। इसका मतलब है Z सेट S का लोअर बाउंड नहीं है। इसका मतलब है Z सेट S के कम से कम किसी एक एलिमेंट X से बड़ा है। Z बड़ा है किससे? सेट S के कम से कम एक एलिमेंट X से। इसी तरह से मैं प्रूव करूंगा कि Z सेट S के किसी एक एलिमेंट से छोटा है। अगर मैंने प्रूव कर दिया कि Z X से बड़ा है और Y से छोटा है और X और Y कहाँ मौजूद हैं सेट S में, तो सेट S में एक खास बात है कि जब भी दो एलिमेंट सेट S में मौजूद हों तो उनके दरमियान का हर एलिमेंट भी सेट S में मौजूद होता है। तो प्रूव ये हो जाएगा कि Z सेट S में है। अब मैं प्रूव ये करना चाहता हूँ कि Z सेट S के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा है। क्या सेट S के अपर बाउंड्स हैं? सेट S के अपर बाउंड्स नहीं हैं। इसका मतलब है Z भी सेट S का अपर बाउंड नहीं है। Z अगर सेट S का अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब हुआ Z जो है वो सेट S के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा है। Z सेट S के एक एलिमेंट Y से छोटा है, क्योंकि S जो है वो बाउंडेड अबव नहीं है, कोई भी एलिमेंट इसका अपर बाउंड नहीं है। Z भी सेट S का अपर बाउंड नहीं है, और अपर बाउंड ना होने का मतलब है Z सेट S के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा है, और जिस एलिमेंट से छोटा है उसका नाम हमने Y रख लिया। Z इस वक्त हमारे पास X से बड़ा है, Z Y से छोटा है, जहां पर X और Y सेट S में मौजूद हैं। Z X और Y के दरमियान होने का मतलब है Z ओपन इंटरवल X और Y में है, और X Y से छोटा है। X Z से छोटा, Z Y से छोटा, तो ऑब्वियसली X Y से छोटा है। X और Y हमारे पास सेट S में मौजूद हैं, एक्स वाई से छोटा है, सेट एस की खूबी की वजह से एक्स वाई क्लोज इंटरवल सेट एस में मौजूद है। जी ओपन इंटरवल एक्स वाई में मौजूद है, ओपन इंटरवल एक्स वाई क्लोज इंटरवल एक्स वाई का सबसेट होता है, क्लोज इंटरवल एक्स वाई सेट एस का सबसेट है। इन बातों को जोड़ें, इसका मतलब है जी जो है वो सेट एस में मौजूद है। जी हमने एक एलिमेंट लिया था कहां से? जी हमने एक एलिमेंट लिया था ए से इन्फिनिटी वाले ओपन इंटरवल में से, Z सेट S में है। इस सेट ओपन इंटरवल A से इन्फिनिटी का हर एलिमेंट सेट S में है। इसका मतलब ओपन इंटरवल जो A से इन्फिनिटी है वो S का सबसेट है। A से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल S का सबसेट है, S सबसेट है क्लोज इन्फिनिट इंटरवल A से इन्फिनिटी का। इन दोनों बातों को हमने जोड़ लिया, S इसका सुपरसेट है, S इसका सबसेट है। इसका मतलब है S या तो ये वाला सेट है या ये वाला सेट है। इन दोनों सेट्स में फर्क क्या है? सिर्फ एक एलिमेंट A का, इसमें A मौजूद नहीं है और इसमें A भी मौजूद है। S अगर इसका सबसेट और इसका सुपरसेट है तो S इन्हीं दो में से कोई एक है। S इन्फिनिट ओपन इंटरवल A से इन्फिनिटी या इन्फिनिट क्लोज इंटरवल A से इन्फिनिटी के इक्वल है। S इसके इक्वल हो या S इसके इक्वल हो, ये भी एक इंटरवल है, ये भी एक इंटरवल है। इसका मतलब है S हमारे पास क्या है? एक
इंटरवल है। एस आर का सबसेट है, एस में कम से कम दो एलिमेंट्स हैं, एस में एक खूबी ये मौजूद है कि जब एक्स और वाई एस के एलिमेंट्स हों तो उनके दरमियान वाले सारे एलिमेंट्स भी एस में होते हैं। एस को हमने प्रूव करना है कि एस जो है वो एक इंटरवल है। हमने तीन केसेस में प्रूव कर दिया है कि अगर एस बाउंडेड हो इस खूबी के साथ तो इंटरवल है, एस बाउंडेड अबव हो बिलो ना हो तब भी इंटरवल है, एस बाउंडेड बिलो हो अबव ना हो तब भी इंटरवल है। एक केस रह गया कि अगर एस ना बाउंडेड अबव हो ना बाउंडेड बिलो हो तो भी एस इंटरवल है। अब इस बात को प्रूफ करते हैं। और लास्ट पॉसिबल केस में अगर एस हमारे पास बाउंडेड ना हो, ना बाउंडेड अबव हो ना बाउंडेड बिलो हो, तो एस तब भी एक इंटरवल होगा, प्रूफ करना चाहते हैं। एक दफ़ा फिर वीडियो को पॉज कर लें और थोड़ी देर के लिए खुद सोचें कि अगर ना अपर बाउंड मौजूद है ना लोअर बाउंड मौजूद है, एस तब भी एक इंटरवल प्रूफ करना है, तो वो कौन सा इंटरवल हो सकता है। जी, अगर एस का ना तो अपर बाउंड मौजूद है ना लोअर बाउंड मौजूद है तो ऐसा एक ही इंटरवल हमने देखा है, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये एक इंटरवल है। और इसका ना अपर बाउंड मौजूद है ना लोअर बाउंड मौजूद है, यानी अब मैंने बेसिकली प्रूव ये करना है कि एस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का इंटरवल है, ये बात प्रूव करना चाहते हैं। अगर एस बाउंडेड नहीं है, एस का कोई अपर बाउंड नहीं है, एस का कोई लोअर बाउंड नहीं है, ना बाउंडेड अबव है ना बाउंडेड बिलो है, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है कि एस जो है वो अगर इंटरवल है तो वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का इंटरवल होगा, यानी पूरी की पूरी रियल लाइन होगा। तो ये प्रूव करने के लिए कि एस एक इंटरवल है, अब हम प्रूव ये करेंगे कि एस जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला ओपन इंटरवल यानी पूरा का पूरा रियल नंबर है। और इसको प्रूव करने के लिए हम दो बातें प्रूफ करेंगे, एक ये कि एस सबसेट है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाले ओपन इंटरवल का, और दूसरी ये कि एस सुपरसेट है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाले ओपन इंटरवल का। एस सबसेट है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाले ओपन इंटरवल का, ये तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि एस हम आर का सबसेट ले रहे हैं और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला इंटरवल तो बेसिकली आर ही है, तो इसका मतलब है एस सबसेट है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाले इंटरवल का, जो कि बेसिकली हमारे पास आर है। तो ये बात तो प्रूव हो गई। अब दूसरी बात प्रूव ये करनी है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला जो इंटरवल है वो एस का सबसेट है। उसके लिए वही तरीका, एक जेड एलिमेंट ले लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वाले इंटरवल में से, और उस जेड को प्रूव ये करते हैं कि वो सेट एस में मौजूद है। तो जेड एक एलिमेंट ले लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाले इंटरवल में से, जेड हमने ले लिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाले इंटरवल में से यानी आर में से, जेड को प्रूव ये करना है कि एस में है। एस चूंकि ना बाउंडेड अबव है ना बाउंडेड बिलो है, इसका मतलब है Z ना तो अपर बाउंड है ना लोअर बाउंड है, Z यहाँ कहीं है, अपर बाउंड नहीं है, तो ये सेट के किसी एक एलिमेंट Y से छोटा है, लोअर बाउंड नहीं है तो सेट के किसी एक एलिमेंट X से बड़ा है। सेट S में X और Y मौजूद है, ना अपर बाउंड है ना लोअर बाउंड है, अपर बाउंड नहीं है तो Z Y से छोटा है, लोअर बाउंड नहीं है तो Z कम अज़ कम किसी एक एलिमेंट X से बड़ा है। Z हमारे पास एलिमेंट है जो x से बड़ा और y से छोटा है, इसका मतलब है Z ओपन इंटरवल x y में है, x y से छोटा है, x और y s में है, अगर x और y s में है, x y से छोटा है, तो s में खास खूबी जो थ्योरम के अंदर बताई गई है उसके मुताबिक x y क्लोज इंटरवल s का सबसेट है। Z एलिमेंट है ओपन इंटरवल x y का, ओपन इंटरवल x y सबसेट है क्लोज इंटरवल x y का, क्लोज इंटरवल सबसेट है एस का, तो इसका मतलब है जो जी है हमारे पास वो सेट एस में मौजूद है। हमने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला जो ओपन इंटरवल था उसका एलिमेंट जेड लिया था, वो एस में मौजूद है, इसका मतलब ये वाला ओपन इंटरवल इस सेट एस का सबसेट है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला ओपन इंटरवल जो है वो सेट एस का सबसेट है। सेट एस इस इंटरवल का सुपरसेट है और सेट एस
इस इंटरवल का सबसेट है, इसका मतलब है s इस इंटरवल के इक्वल है, s इक्वल है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी वाले इंटरवल के, यानी जो s है हमारे पास वो एक इंटरवल है। तो हमने हर पॉसिबल केस में प्रूव ये कर दिया है कि जो हमारा सेट s है वो हमेशा इंटरवल ही है। वो पॉसिबल केस चार हमने बनाए हैं और हमने प्रूव ये किया है कि s इंटरवल है। आइंदा से याद रखना है आपने, जब भी s R का सबसेट हो, s में कम से कम दो एलिमेंट्स मौजूद हो, और जब भी हम सेट s में से दो एलिमेंट्स x और y लें, उनके दरमियान के सारे एलिमेंट्स भी सेट s में मौजूद हो, तो वो सेट s एक इंटरवल हुआ करता है। वो इंटरवल कोई सा भी हो सकता है, वो क्लोज इंटरवल ab, ओपन इंटरवल ab, हाफ क्लोज इंटरवल ab हो सकता है, और वो इन्फिनिट इंटरवल्स में से भी कोई एक हो सकता है, लेकिन होगा यकीनन कोई ना कोई इंटरवल ही। इंटरवल से रिलेटेड कुछ और रिजल्ट्स भी बार्टल की बुक में मौजूद हैं, जिनके प्रूफ हम नहीं कर रहे हैं। खास तौर पे नेस्टेड इंटरवल्स की बात बार्टल ने की है और नेस्टेड इंटरवल्स के इंटरसेक्शन की बात की है, उनकी जब हमें ज़रूरत पेश आएगी हम कर लेंगे। वैसे मैं उनको मैट्रिक्स स्पेस के रिजल्ट्स में प्रूफ करवा चुका हूँ। अब हमारे मैट्रिक्स स्पेस की जो लेक्चर सीरीज है उनके अंदर नेस्टेड इंटरवल से रिलेटेड रिजल्ट्स को देख सकते हैं। आज चैप्टर वन को हम ख़त्म कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे इन्फिनिट सीक्वेंस और सीरीज का चैप्टर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में।